नेशंस नॉलेज न्यूज नेटवर्क के 76 एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारे को ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे या रुचि होंगे कि बैंकों में जॉब कैसे करें। तो बैंक में जॉब करने की 2-3 तरीके हैं जो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। पहला तो है जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, आईबीपीएस आप वहां से कंप्लीट करेंगे तो उसके तहत आपको ब्रांच मैनेजर या सर्विस मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो जॉब मिलती है। दूसरा जो है क्लर्क और अन्य बहुत सारे वैकेंसियां निकलती है बैंकों में, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके एसबीआई बैंक के बारे में, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा सेफ एंड सुरक्षित है। वैसे तो सारे बैंक सेफ एंड सुरक्षित है, फिर भी एसबीआई पे लोग ज्यादा ही भरोसे करते हैं, पुराने लोग। तो चलते हैं, हमारे जो देश के ओल्ड सिटीजन है तो चलते हैं अभी अबाउट अस एसबीआई के बारे में। अबाउट अस में जैसे यहाँ देखेंगे तो एसबीआई बैंक वेलकम्स यू एक्सप्लोर द प्रीमियर बैंक इन इंडिया एंड इसका जो है बैंकिंग इज एक्टिविटी इन्वॉल्व सिंस 1973 ऑफ नॉट नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कॉल्ड कम्युनिटी सर्विस बैंकिंग, है ना। ये इसके संदर्भ में शुरुआत में 1973 में शुरुआत किया गया एंड ऑल आवर ब्रांचेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री स्पॉन्सर एंड पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी एंड सोशल कॉजेज एंड आवर बिजनेस इज मोर देन बैंकिंग बिकॉज वी टच द लाइव्स ऑफ पीपल्स वेयरएवर इन मेनी वेज। मतलब इन सेवा भावना ज्यादा है और जो बैंकिंग है वो इनकी मेन मोटो, कहने का मतलब ये है कि सेवा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। विजन मिशन वैल्यूज है एसबीआई बैंक के, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मिशन कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिंपल रिस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, सर्विस ट्रांसपेरेंसी एंड इथिक पोलाइटनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इनकी महानता है। तो चलिए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं पर्सनल एनआरआई बिजनेस आर की, यहाँ पे इनके बहुत अच्छे अच्छे सारे दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट अकाउंट्स में अगर जाएंगे तो सेविंग अकाउंट्स है बेसिक, आप लोग जानते होंगे कि सेविंग अकाउंट्स है, मतलब बहुत सारे टाइप के अकाउंट होते हैं, सैलरी अकाउंट होते हैं एंड करंट अकाउंट होते हैं। तो सेविंग अकाउंट में आप अपनी बचत खाता है, सैलरी अकाउंट आपकी जो भी बिजनेस कर रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी अपना जिस अकाउंट में आती है वो सैलरी अकाउंट हो गई। करंट अकाउंट हो, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, चाहे वो सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो या किसी भी टाइप की कंपनी है या फॉर्म्स है या ट्रस्ट है या किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है और न्यास समिति है, आप अगर चाहते हैं कि हमारा अकाउंट अलग से हो तो आपकी वो करंट अकाउंट होगी। यही सब है। इसके बाद बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट है, यहाँ पे अकाउंट है, बेसिक सेविंग बैंक है, स्मॉल अकाउंट है, बैंकिंग सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स है, माइनर्स भी खोल सकते हैं, मेजर मेजर मतलब तो बड़े बुजुर्ग हो ही गया, एडल्ट हो ही गया, फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम आप यहाँ से कर सकते हैं। सेविंग बैंक रूल्स यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से है। इसके बाद सबके लिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट है, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के जो है, इंडियन रेलवे में जो है उनके लिए है, डिफेंस फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पुलिस फोर्सेज है, कोस्ट गार्ड है और भी कई तरीके के, अगर इंडियन गवर्नमेंट के जैसे सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, वो सब भी इसमें खोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इतने ही के लिए दिया हुआ है तो सैलरी अकाउंट सिर्फ इतने ही खोल सकेंगे। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट एंड डिपोजिट में देखेंगे तो डिपोजिट्स है, गवर्नमेंट स्कीम है, स्टॉक सिक्योरिटीज है, इसमें आपको कई सारे चीज देखेंगे, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, एनुअल डिपॉजिट स्कीम है, एमओडी है, एसबीआई टैक्स स्कीम है, इसके बाद और भी सब सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत सारे है, आपको पीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो होते हैं, एनपीएस है, कैपिटल गेन्स अकाउंट्स है, गोल्ड बैंकिंग है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, है ना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स की योजना जो जिसमें आप लड़कियों के लिए खास करके है, जो बच्चे के 18 साल तक पढ़ाई के लिए साथ साथ उनकी शादी के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, या स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट में भी आप कर सकते हैं। इसका लोन के लिए पर्सनल होम लोन, पर्सनल लोन्स में ऑटो लोन्स हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, लोन सिक्योरिटी हो गया, गोल्ड हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, इन कैलकुलेटर्स हो गया, इसके कार्ड डेबिट बिजनेस कार्ड
प्रीपेड कार्ड्स हो गया, वर्चुअल कार्ड हो गया, ग्रीन डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस कवर्ड अवेलेबल है, डिजिटल में डिजिटल इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, भीम आप जो ऐप आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने वो निकाले स्कीम जो भीम SBI पे के तहत आप इसमें जैसे और भी जैसे गूगल पे है, जैसे आपका और भी जो कई जो पे नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग पेमेंट जो करते हैं वो सब अभी कई सारे दुकान जो रिटेल का जो रिटेलर है उस सब में लगा हुआ है। तो वही चीज ये भी है, भीम SBI पे हो गया, भीम पे SBI पे ऑफर है, इनका SBI पे है, मोबाइल बैंकिंग है, यूनो, यूनो मतलब अपने बैंक को जाने, तो ये सारी चीज आपको योनो का यहाँ भी लिंक आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर आप ये तो सारे दिस ऑल आर रिटन इन इंग्लिश एंड गिवन इन इंग्लिश, और ये होम हो गया, NRI पर्सनल, यहाँ पे भी आपकी सारी जो पैनल है वो सब मिलेगी, फिक्स्ड फॉरेक्स कार्ड रेट, कैरियर्स। अब कैरियर के बारे में थोड़ा देखते हैं क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा तो देखते ही है, इंटरेस्ट रेट, डाउन लोड फॉर्म्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, बैंक कैलेंडर, RTI 2005 के तहत आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ये बैंक ही नहीं दुनिया मतलब भारत के किसी भी एजेंसी से, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो चाहे प्राइवेट, प्राइवेट एजेंसी में जो गवर्नमेंट के साथ अंडरटेकिंग और काम कर रही है उनसे कर सकते हैं, प्राइवेट जो नॉर्मल होते हैं उनसे तो क्या पूछना। NRI अकाउंट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन्स एंड रिमिटेंस हो गया, इन्फॉर्मेशन पर्सनल में सेविंग बैंक अकाउंट, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट कार्ड, डिजिटल इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग, क्रेडिट, फाइनेंस सर्विस वगैरह सब ले सकते हैं आप। बिजनेस में CAGR MCG मतलब मल्टी नेशनल कंपनी के साथ भी आप काम कर सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एसोसिएशन या एजेंसी हो। करंट अकाउंट या SME डिपॉजिट या लोन्स वगैरह, इन्फॉर्मेशन, SBI वेल्थ प्रोसीड्यूर्स वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह, आप वेल्थ मैनेजमेंट के साथ भी बैंक आपको कहाँ साथ काम करती है, ये सारे उनकी पैनल हो गई। इसमें हम लोग एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, आपके KYC गाइडलाइंस, आप अगर चाहते हैं कि मेरा आधार सेंडिंग कैसे होगा, ATM सर्विस में मुझे कोई प्रॉब्लम है या इन्फॉर्मेशन या कुछ सर्विस आपको वो लग रहा है कि कोई कंप्लेन करे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, KYC गाइडलाइंस यहाँ से देख सकते हैं, रिमिटेंस, सेफ डिपॉजिट, इसके बाद NETC फास्ट टैग, रिमिटेंस वगैरह कर सकते हैं, SBI कैश, SBI, मतलब यहाँ पे आपको तकरीबन सारे फैसिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट बिजनेस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप जितने भी सेवा, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पेंशन वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, ऑनलाइन पेमेंट, आप यहाँ से पेंशन सारे वगैरह का यहाँ काम कर सकते हैं, ये भी पैनल मिला हुआ है। तो हमने देखा अब यहाँ पे SBI द न्यूज, यहाँ पे इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट बैंक, एफिलिएशन, सारे चीज यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने, सारे पैनल को देख लिए। अब एक चीज, यही इंग्लिश वाले को हिंदी में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो आपको भारतीय स्टेट बैंक के सक्रिय सार्वजनिक बैंक के रूप में काम कर रहा है, ये नहीं कमाता है, कोई लाभ नहीं कमाता है, वही बात इन्होंने दे रखा है। और इनके बारे में और जानना अगर चाहेंगे, जमा सावधि वही है, खाता के बारे में बचत खाता, बेसिक वही, वेतन, चालू खाता। इसके बाद आप अगर हमारे बारे में, तो यही थी, हम लोगों ने इतिहास देख लिया। अब करियर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो SBI के बैंक के साथ SBI नाम के लिए एक फेक भी आया था कि किसी ने ये सावधान बताया है कि कोई इसके नाम से स्टेट बैंक का दूसरा कोई साइट वुट बना करके और इस पे वैकेंसी लेकर के कुछ फेक गलत काम किया है, उसी के बारे में दे रखा है। तो इसको अगर जैसे ही हम लोग हटाते हैं तो इनके कैरियर के बने अपार संभावना वाली कार्य संस्कृति जहां आगे बढ़ गुणवान। SBI में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सर्वोपरि बैंक जहाँ आपकी प्रतिभा है, अधिक जानकारी के लिए हम SBI हर दिन प्रगति और यहाँ पे उन्नति के अनेक अवसर और यहाँ सुविधाएं, सफलता की कहानी, अधिक जानकारी के लिए मिले जो प्रबंधक और ट्रेजरी से मोर, आप यहाँ पे देखिए आपका स्वागत है वर्तमान रिक्तियां में, अगर वर्तमान रिक्तियां हैं तो यहाँ से आपको वर्तमान रिक्तियां में SBI में आपको मिलते हैं, जहाँ भी आपकी अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशल कैडर ऑफिसर्स इन SBI एंड रेगुलेशंस, डिप्टी मैनेजर, ऑनलाइन अप्लाई फॉर 23/1 से लेकर के 12/2 तक आराम से डेट है, आराम से आप रिक्रूटमेंट फॉर ये अप्लाई कर सकते हैं, ये बहाली है, वैकेंसी बहुत सारे है इसमें, फाइनल रिजल्ट अनाउंस से एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ है, यहाँ से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं SBI में। तो आपकी बैंक में जीवन किस प्रकार से, हर दिन सफलता, बढ़ती पश्चात प्रक्रिया, ज्ञानार्जन का विकास, ये सब सारे चीजें, उन्नति के अनेक अवसर, विकास संस्कृति, सर्वोत्तम पारिश्रमिक, अच्छा मतलब इसमें हैंडसम सैलरी होती है बैंकिंग में, इसमें कोई शक नहीं है, ये उनकी जो है मेनी एरियाज ऑफ एक्सपर्ट्स विद इन द बैंक। एंड आप यहाँ पे क्रेडिट रिस्क, ट्रेजरर वगैरह वगैरह,
इसका मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा है कि बहुत बड़ा बैंक है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा परंपरा, हमारा नेतृत्व, संपर्क के लिए अधिक जानकारी के लिए एसबीआई में के क्या किरदार, अब क्योंकि वर्तमान रिक्तियां मैंने बताए, भर्ती परिमाण में बताए, हम क्या चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहती है, ये भी आपको पता चल जाएगी जब आप इसके साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे स्पेशल आप किस में सेलेक्ट रोल किस में आप देना चाहते हैं, मेडिकल ऑफिसर, डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर, ये वो जितने भी इनकी वैकेंसियां हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जोनल हेड, वाइस जनरल मैनेजर, सर्विस मैनेजर, सर्विस ऑफिसर, क्लर्क, एल सीनियर एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट एंड कंटेक्चुअल वगैरह वगैरह की सारे पोस्टेज होते हैं आपको मिल सकते हैं। अवेलेबल ओपनिंग क्या क्या है इसमें विज्ञापन डाउनलोड करें और यहाँ से आपकी वैकेंसी के लिए सारे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना जो है इसमें। तो इस तरीके से आप बैंकिंग एसबीआई का एक बहुत ही अच्छा है और ये सब मतलब बेस्ट बैंक है इसमें। वैसे सारे बैंक अच्छे हैं बट ये भी सब में से एक अच्छा बैंक माना जाता है। तो चले हम लोग देख लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ये सारा कस्टमर एडवाइजरी फॉर डियर कस्टमर ऑफ एनी पर्सन प्रेजिडेंट इंडिया कलेक्टिंग इफेक्टिंग रिमिटेंस पेमेंट वगैरह, मतलब ये हमेशा आपको आगाह कराती है पर्सनल बैंक एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट लोगों मतलब धंधे वाले बिजनेस व्यापार के लिए यूज आप अपना करें और पर्सनल बैंकिंग वाले आप अपना करें, लॉग इन करें एंड जाने बैंक के बारे में। तो और करियर के बारे में मैंने बताया ही है, तो हम लोग करियर की सारी अपॉर्चुनिटी देख ही लिए। तो यही थी कुछ हमारे एसबीआई बैंक के बारे में। इसी तरीके से आप जैसे भी जैसे आईबीपीएस हो गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर, या तो जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं, उस सेक्शन का ब्रांच मैनेजर कहलाते हैं। तो आप एसबीआई बैंक के साथ साथ जितने भी बैंक है, चाहे वो पर्सनल मतलब प्राइवेट बैंक हो, या तो आपको जो अंडरटेकिंग बैंक हो, या 100% गवर्नमेंट बैंक हो, तो सारे बैंक में इसी तरीके से होती है, सारे बहाली होती है, चाहे चपरासी से लेकर के मतलब निम्नतर लेवल होता है उससे ऊपर के लेवल में जितने भी बहाली होती है, क्लर्क हो गया, चाहे उसका सर्विस मैनेजर हो गया, चाहे ब्रांच मैनेजर हो गया, चाहे उसके जो कैशियर हो गया, चाहे उसके और भी जो रिसेप्शनिस्ट हो गए, वो सारे की बैंक में जो तकरीबन एक ही तरीके का बहाली होती है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है वो जो आईबीपीएस के तहत भी होती है। तो ये है, इसी तरीके से सारे बैंक में होती है, चाहे वो कोई बैंक हो। अब हम लोग थोड़ा आपको साथ में दिखाते हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक में भी किसी इसी तरीके का सुविधा आपको वही तरीके का मिलेगा, ऑफिसर्स बैंकिंग चैनल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक लाइफ स्टाइल, गिफ्टिंग, ट्रेवल्स एंड देखेंगे रिन्यूअल स्टोर्स, यू कैन अर्न फ्रीडम वगैरह सारे देखेंगे। इसी तरीके से आप इनके अन्य पैनल भी इसी तरीके से देखेंगे, सारे इसमें भी है अपॉर्चुनिटी, आपको वही मिलेंगी जो एसबीआई में जिस तरीके से मिलती है, एक्सिस बैंक में भी उसी तरीके से मिलती है। हो सकता है प्राइवेट बैंक है तो कुछ में थोड़े से प्लस होता है, कुछ में थोड़ी माइनस होता है, कुछ ज्यादा देते हैं, कुछ थोड़ा एक दो कम होती है, लेकिन करीब करीब वही चीज होती है। पर्सनल बिजनेस प्रायोरिटी एंड बर्गडी एनआरआई अबाउट अस सारे वैसे ही एचडीएफसी बैंक का भी कुछ इसी तरीके से है, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट है ना, इन्वेस्ट ना हो या एचडीएफसी सिक्योरिटीज वगैरह, नॉलेज सेंटर वगैरह, इक्विटीज एंड डेरिवेटिव वगैरह एप्लीकेशन, सारे चीज वैसे ही देते हैं। हाँ, एक चीज है, प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक कुछ ज्यादा मतलब फैसिलिटी भी देती है एंड वो ज्यादा आपको आपके साथ कॉपरेशन करती है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की बात तो आप लोगों को पता ही है। बैंक मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे, हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग आप कर सकते, व्हाट्सएप बैंकिंग भी कर सकते हैं, प्रीमियर एंड प्राइवेट, ये सब थोड़ा ज्यादा सुविधा देती है प्राइवेट बैंक वाले, और इनकी सारी पैनल्स यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसके बाद ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक भी इसी तरीके से डेबिट कार्ड, लोन, सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट अकाउंट्स एंड नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम है, इस तरीके से सारे इनकी भी वही चीज है। तो इसी तरीके से एक और है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक, और यहाँ से डाउनलोड पीएनबी वन, इसके बाद कॉन्टैक्ट अस इन लाइफ इंश्योरेंस है ना, इसके बाद फ्रॉडस्टर अलर्ट, सिक्योरिटी टिप्स, लोकेट एंड अस ब्रांचेज, ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन सारे इसमें भी, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट लोन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हेल्प के लिए लॉग इन सारा चीज आप यहाँ पे ले सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह, भारतीय बिल पे कुछ भी पेमेंट्स करना है, टैक्स, वैट पेमेंट, फ्री पेमेंट, अदर पेमेंट, अकाउंट के लिए भी यहाँ डाउनलोड है, तो जावा सब आपको किस फॉर्मेट में चाहिए से है ना, सूचना भी वगैरह। अब आप इसमें रिटेल इंटरनेट के लिए आप अगर आप चाहते हैं तो इनकी जनरेट होगी यूजर आईडी और पासवर्ड, इसके बाद आप यहां से काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी टिप्स वगैरह, डिजेबल ट्रांजेक्शन। तो इसमें भी अकाउंट खोलने की फैसिलिटी ऑनलाइन
अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो में, और हम लोगों ने देखा कि हम SBI बैंक के साथ साथ अन्य कई सारे बैंक में, तो बैंकिंग सेक्टर में जो भी अपना करियर बनाना चाहते होंगे तो वो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि हम किस तरीके से कैसा वीडियो लगा। और अगर कुछ आप और जानना चाहते हैं तो हमें लिखें और बताएं, तो हम इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे और आप लोगों की और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये 76 वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो आगे की वीडियो में फिर हम किसी और टॉपिक पे लेकर के बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, वी विल विजिट इन द नेक्स्ट वीडियो।